दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हनीडो के पोयम जो कि है व्हेन आई सेट आउट फॉर लोनियस। इसमें जो पोएट है थॉमस हार्डी, उन्होंने बताया है कि जब उन्हें पहली बार एक जाना था एक जगह पर जहां पर उन्हें एक चर्च को सुपरवाइज करना था, मीन्स वहां पे जो काम चला था उसे देखना था। जब वहां पे गए थे तो इसमें बताया गया है कि वहां पे वो पहुंचे तो उन्हें मतलब पहले तो कोई एहसास नहीं था कि वहां पे क्या होने वाला है। वो यही सोचते थे कि वहां पे क्या होगा और उनको ऐसा दिमाग में ख्याल आता था कि कोई भी अदर आदमी जो है जो पहले जो भविष्य बताता है साथ में जो कोई ऐसा आदमी होता है जो प्रिडिक्ट करता है कि आप यहाँ पे जाने वाले हो क्या होने वाला है, वो सब कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके बारे में। जो जगह पे वो जाने वाले थे, जब उस जगह से वापस लौट के आ रहे हैं तो जब लोग देख रहे हैं उनके ऊपर, मीन्स जब वो वापस आ रहे हैं तो वहां पे जब लोग उनको देख रहे हैं तब देख रहे हैं कि उनके मुंह पे कुछ अलग ही चमक था। उनके जेब में एक क्रस्ट पीस का पेपर था, मीन्स एक पेपर था जो कि उनके जेब में था जो क्रस्ट पीस था, उसमें उन्होंने एक पोयम लिखा था। वो पोयम यही लिखा था जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उस पोयम में इन्होंने यही लिखा था कि कैसे उन्हें जहाँ से जब जाना हुआ तो वो सोचते थे कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कौन है जो बता पाएगा कि वहाँ पे जहाँ पे वो जाने वाले जिस प्लेस पे वहाँ पे क्या होने वाला है। जब उन्होंने जिस प्लेस पे वो गए, मीन्स जहाँ पे वो सुपरवाइज करने के लिए गए थे चर्च को, उस प्लेस को उन्होंने लोनीज नाम रखा। जब वो वहां से आए तो बहुत ही वो खुश लगते थे, लोगों को उनको समझ नहीं आता उनके साथ हुआ क्या है। वो अपने पास एक लिखा हुआ में से कागज था जो कि एकदम मुड़ा हुआ था, इसे क्रश करके रखा हुआ था, उसमें एक पोयम लिखा हुआ था। दोस्तों इस पोयम में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि कैसे वो यहाँ से एक प्लेस पे गए, फिर वो वहां से आए तो उनका कैसे माहौल बदल गया। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उस प्लेस पे जहाँ पे गए थे उनके वजह से उनका माहौल कैसे बदला। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।